अरे सुनना यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको विक्रमशिला एक्सप्रेस के 130 KMPH से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स दूंगा, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा वीडियो एंजॉय करिए। राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, तेजस इत्यादि ट्रेनों की तरह ही विक्रमशिला एक्सप्रेस की अधिकतम गति सीमा अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की हो चुकी है और यह चुनिंदा सुपरफास्ट ट्रेनों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है जो कि 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हैं। इस लिस्ट में अभी तक संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस ही थी। ये ट्रेनें वो ट्रेनें हैं जिनमें जनरल कोच है और 130 पे चलती है, तो इसमें अब विक्रमशिला एक्सप्रेस का भी नाम जुड़ चुका है और विक्रमशिला के साथ साथ उधमपुर इलाहाबाद एक्सप्रेस को भी 130 मिला। तो यह वीडियो 20 फरवरी 2020 की है, यानी कल की है, और यह वही रेख है जिसने सबसे पहली बार एज विक्रमशिला एक्सप्रेस 130 KMPH किया था। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस रेख में कुछ खामियां आ गई थी जिसके कारण कानपुर के बाद से इसे 80 KMPH के रेस्ट्रिक्शन पर दोहराया गया, लेकिन कल यह रेख इसी रेख ने 130 KMPH ईजिली किया है और बाकी दोनों रेख भी 130 KMPH पे ही दौड़ रही है। तो इससे तो यह तो कंफर्म हो गया कि यह कोई ट्रायल नहीं था, क्योंकि लगातार 3 दिन हो चुके हैं और विक्रमशिला 130 पर ही चल रही है। तो अब 130 पर चलने के क्या फ़ायदे होंगे यह जान लीजिए। सबसे पहली तो यह होगी कि इसकी पंक्चुअलिटी इशू काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। अभी वैसे हाल में विक्रमशिला काफ़ी पंक्चुअल हो चुकी थी, स्पेशली डाउन डायरेक्शन में, लेकिन 130 KMPH मिलने के बाद दोनों साइड पंक्चुअलिटी और अच्छी हो जाएगी और अप डायरेक्शन में अब ज़्यादातर यह ऑन टाइम या थोड़ी डिले के साथ ही आएगी। दूसरी बात यह होगी कि इसका टाइम टेबल जल्द ही चेंज होगा, तो टाइम टेबल चेंज होने के कारण यह स्पीड अप होगी, मतलब टाइम टेबल स्पीड अप होगा और भागलपुर से आनंद विहार जाने में टोटल टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो गाइज़, यह वीडियो और यह अपडेट आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिजनों के बीच शेयर भी करें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।